हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लवली, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ड्रमस्टिक की रेसिपी बताएंगे। ये बहुत ही फायदेमंद होती है, जिसे घुटनों में दर्द की समस्या होती है उसे रोज ही या हफ्ते में दो या तीन बार इस रेसिपी को बना करके, इस सब्जी को बना करके खाना चाहिए। ड्रमस्टिक बहुत ही फायदेमंद वेजिटेबल है, तो आइए देखते हैं ड्रमस्टिक को कैसे बनाएंगे। ड्रमस्टिक बनाने के लिए छिली हुई ड्रमस्टिक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। मिक्सी के जार में प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक डाल करके ग्राइंड करेंगे। प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम हरी इलायची का छिलका और जो बड़ी वाली काली इलायची होती है उसका भी हमने छिलका यूज किया है। तेज पत्ते, हिंग जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक का इस्तेमाल किया है। सारे मसाले भी हमारे तैयार हो चुके हैं। मस्टर्ड ऑयल लेंगे। ऑयल हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है क्योंकि हम ड्रमस्टिक को फ्राई करेंगे, ड्रमस्टिक फ्राई करके बनाएंगे। वैसे तो ड्रमस्टिक को आप कई तरह से बना सकते हैं, जैसे आलू के साथ भी आप बना सकते हैं, टमाटर डाल के भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल ड्रमस्टिक कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी बता रहे हैं। अब हम ड्रमस्टिक को फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। सभी को एक साथ डालना है और एक साथ ही हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करके ड्रमस्टिक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप जरूर ट्राई कीजिए। आपसे किसी रिक्वेस्ट पे आपने कहा था कोरोना वायरस के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, मैंने वीडियो बनाया है आप सबके लिए। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ड्रमस्टिक को फ्राई करते समय हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आपको अलग से नहीं लेना है, जो हमने मसालों में नमक लिया है उसी से हम थोड़ा सा नमक निकाल करके फ्राई करते हुए ड्रमस्टिक में डाल देंगे। इस तरह से हमें नमक डाल देना है और नमक को अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक हम इसलिए डालते हैं ताकि ड्रमस्टिक अंदर से अच्छे से पक जाए, नमक से वह जल्दी पकेंगी और ड्रमस्टिक को खाते समय तीखी भी नहीं लगेंगी। अब हम इसे 5 मिनट ढककर पकाएंगे, पर आपको 5 मिनट तक बिल्कुल ढककर नहीं रखना है, 2-2 मिनट में आपको उसे खोलकर देखना है और फ्राई करते रहना है। अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी ड्रमस्टिक फ्राई हुई है या नहीं। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये फ्राई लगभग हो ही चुकी है। ड्रमस्टिक को आप इस तरह से दबाकर देखेंगे, अगर वो आसानी से दब रही है इसका मतलब ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्राई की हुई ड्रमस्टिक हमने निकाल ली है। जो बचा हुआ तेल है इसी में हम बघार लगाएंगे। तेज पत्ते, बड़ी इलायची और हरी इलायची के छिलके, हिंग जीरा डालेंगे और हिंग जीरा को अच्छे से तड़काएंगे। अब हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे। इसी तरह आपको लगातार चलाना है जिससे कि ये मसाला जले नहीं। हाई फ्लेम पे आप कर सकते हैं लेकिन लगातार आपको चलाते रहना है। मसाले से तेल अलग हो गया है, इसका मतलब प्याज भून चुकी है। अब हम इसमें
हमारे सारे सूखे मसाले डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग ना होने लगे। जब तेल अलग होने लगता है इसका मतलब है कि हमारा मसाला पूरी तरह से भुन चुका है, मसाले का कलर चेंज हो चुका है और इसमें से तेल भी अलग हो चुका है। इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो भुन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से भुना है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो हमने ड्रमस्टिक फ्राई की थी वो डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ढककर 2 मिनट पकाएंगे। अगर आपको तरी वाली सब्जी नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें तरी वाली बना रहे हैं इसलिए हम इसमें पानी डालेंगे। जितनी आपको तरी पसंद है आप उतना पानी डाल सकती हैं। सब्जी को अच्छे से खदकने देना है जिससे कि ड्रमस्टिक अच्छे से पक जाए। ड्रमस्टिक की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। ड्रमस्टिक की रेसिपी तैयार है। लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लवलीन 123।